हेलो एंड वेलकम टू मैथ ऑपरेशन, मैं एन के राउत। कैसे हैं आप सभी? एकदम बढ़िया। उम्मीद करते हैं कि बहुत ही अच्छा होंगे, मस्त होंगे। मेरे प्यारे दोस्त, आज का वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाला है, और यह वीडियो स्पेशल उन स्टूडेंट के लिए हैं जो स्टूडेंट बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे कि UGSC 23 इसका रजिस्ट्रेशन कब से स्टार्ट होगा, है ना। सभी को मालूम होगा कि इसके रजिस्ट्रेशन के अकॉर्डिंग आप बिहार के इंजीनियरिंग कॉलेजेज में एडमिशन ले सकते हैं, लाइक गवर्नमेंट एंड प्राइवेट। ओके, UGSC बोले तो अंडर ग्रेजुएट इंजीनियरिंग एडमिशन काउंसलिंग, अंडर ग्रेजुएट इंजीनियरिंग एडमिशन काउंसलिंग ऑन द बेसिस ऑफ जेई मेन, यानी कि जो स्टूडेंट जेई मेन का एग्ज़ाम दिए हैं 23 में, सभी स्टूडेंट इसका रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं जो एग्ज़ाम दिए हैं, चाहे परसेंटाइल कुछ भी हो। यहाँ तक तो समझ गए। और एडमिशन यदि आप लेना चाहते हैं बिहार के इंजीनियरिंग कॉलेज में, तो फर्स्ट ऑफ ऑल UGSC का रजिस्ट्रेशन करना बहुत कंपलसरी। यदि आप रजिस्ट्रेशन नहीं करते हैं तो आप एडमिशन नहीं ले सकते हैं, आपको इन प्रोसेस से होकर गुजरना होगा। ओके, सो बेसब्री से जो इंतज़ार कर रहे थे कि कब इसका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा, है ना, कब से स्टार्ट होगा, ऑलरेडी हम प्रीवियस वीडियो में हम जिक्र किए थे कि जून के फर्स्ट वीक में ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है, चांस है। और क्यों है? ऑलरेडी 4 जून से एडवांस का एग्ज़ाम है, JEE एडवांस का, उसके 2 दिन पहले या बाद, 2 दिन पहले यानी कि 4 को एग्ज़ाम, तो 30 आज यानी कि दे दिया इसका रजिस्ट्रेशन डेट। और डेट स्टार्ट कब से होगा रजिस्ट्रेशन, सो डिटेल्स में जानेंगे, है ना। उनसे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करते हैं, है ना, कि वीडियो के एंड तक देखिए, है ना। और इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को बहुत सारा नॉलेज मिलेगा और डेप्थ में, डिटेल्स में बहुत कुछ जानने को मौका मिलेगा। सो माय रिक्वेस्ट सभी से कि वीडियो के लास्ट तक देखिए बहुत कुछ, और बहुत सारी पॉइंट पर हम बात करेंगे वीडियो के लास्ट तक। सो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले जान लेते हैं कि इसका स्टार्ट कब से है, थोड़ा बहुत कैसे करेंगे, कौन कौन सा बात पॉइंट इम्पोर्टेंट है ध्यान में रखते हुए आपको रजिस्ट्रेशन करना है। ओके, उसके बाद डॉक्यूमेंट्स वगैरह, पेमेंट, डिटेल्स में बहुत सारी बातें करेंगे, बट पेशेंस रखना। बहुत सारे बच्चा थोड़ा वीडियो देख के, है ना, कमेंट करते हैं, गलत गलत गाली देते हैं या बहुत तरह का कमेंट करते देखते हैं, है ना। तो भाई मेरे सब रिक्वेस्ट है आपसे, है ना, बिना देखे वीडियो को, है ना, आप कुछ मत बोलिए, कुछ मत कमेंट करिए। भले ही अलग अलग किस्म के इंसान रहते हैं, है ना, सबका थिंकिंग अलग अलग होता है, विचार विमर्श तो सिद्धांत सब प्रकार के होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले जान लेते हैं कि रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कब से हो रहा है ना, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट। ऑलरेडी बहुत सारे बच्चा को इन्फॉर्मेशन मिल गया होगा कि स्टार्ट, लेकिन डिटेल्स में यदि आप जानना चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक रुकिए, है ना। उसके साथ साथ बिग अनाउंसमेंट भी करने वाले हैं, वो क्या है आप सभी के लिए बहुत हेल्पफुल हो, उन स्टूडेंट के लिए जिसका ज़रूरत है, है ना, जिन स्टूडेंट को ज़रूरत है उनके लिए, जिसके लिए नहीं ज़रूरत है थोड़ा बहुत देख लीजिए, नहीं है तो चल जाएगा, है ना। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आपको 5, 6, 23 यानी कि 5 जून से आपका स्टार्ट हो रहा है। लास्ट डेट कब तक है? लास्ट डेट आपका 30/6 यानी कि 25 दिन आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने का डेट दिया गया है। उसके बाद आप 1/7/23 को पेमेंट कर सकते हैं, लास्ट पेमेंट डेट, है ना। उसके बाद आप 2/7/23 को, है ना, पेमेंट का डेट आपको एक, उसके बाद 2 का आपका एडिटिंग, ये थोड़ा ध्यान दीजिए, एडिटिंग यानी कि आप किसी कारणवश आप रजिस्ट्रेशन कर गए, है ना, कर दिए, उसमें कुछ गलती कर बैठे, सिग्नेचर, फोटो, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, उसके क्या बोलते हैं, उसके बाद पर्सनल इन्फॉर्मेशन, रजिस्ट्रेशन में किसी भी प्रकार की कोई गलती कर बैठे हैं, सो आप उसको 2/7/23 को यानी कि 2 तारीख को आप एडिट कर सकते हैं। एक दिन मौका दिया गया है, पेमेंट आपका लास्ट है 1 तक, उसके बाद 2 को आप एडिट कर सकते हैं। उसके बाद आपका मेरिट लिस्ट इम्पोर्टेंट ये है, इसीलिए देखिए इतना डेट तो सबको मालूम होगा, लेकिन लास्ट है आपका मेरिट पब्लिकेशन, मेरिट लिस्ट कब आएगा आपको उसका भी डेट दे दिया है,
7, 23 है ना, 30 जून तक तो आपका रजिस्ट्रेशन चलेगा, 1-2 का आपका पेमेंट एंड एडिटिंग एंड 4 मेरिट लिस्ट। एक क्या होता है तो थोड़ा बहुत जान लेते हैं कि मेरिट लिस्ट होता क्या है। ठीक, आप जो रजिस्ट्रेशन करेंगे सब सारा डाटा उसमें फिलअप करेंगे, एजुकेशनल हो गया, पर्सनल हो गया, इन्फॉर्मेशन हो गया, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हो गया, सिग्नेचर फोटो वगैरह, जेई मेंस का अप्लीकेशन नंबर के थ्रू सारा डाटा एक्सेस ले लेगा। किस तरीका से करना है डिटेल समझाएंगे। तो आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तो मेरिट लिस्ट में आपसे मेरिट लिस्ट से आपको ये पता चलेगा कि आपको पूरे बिहार में कितना रैंक है, कितना रैंक लाए हैं, है ना, कैटेगरी वाइज एंड यूआर जनरल में कितना रैंक है, एंड आपका अपने कैटेगरी जो ईबीसी होंगे, बीसी होंगे, एससी एसटी होंगे, तो उसमें आपका कितना रैंक है। भाई मेरे, आप जेई मेंस का एग्ज़ाम दिए थे, है ना, तो ऑल ओवर इंडिया में आपका रैंक आया था, पूरे भारत में आपका रैंक आया था, लाखों लाख में होगा, देखे होंगे, उसके बाद कुछ ना कुछ परसेंटाइल आया होगा। लेकिन यूजीएससी रजिस्ट्रेशन इसीलिए करता है, यूजीएससी इसीलिए रजिस्ट्रेशन करता कि इसका तो काम है बिहार के इंजीनियरिंग कॉलेज एडमिशन दिलवाना, है ना, तो रजिस्ट्रेशन इसीलिए कि आपको बिहार में एडमिशन लेना है ना, तो पूरे बिहार में आपका रैंक कितना बनता है, पूरे ऑल ओवर इंडिया में कितना है फ़र्क नहीं पड़ता है, आपको बिहार में कितना रैंक है कैटेगरी एंड जनरल यूआर में, है ना, उन्हीं कैटेगरी एंड यूआर जो कैटेगरी मैक्सिमम कैटेगरी से एडमिशन होता है, उन्हीं कैटेगरी के अकॉर्डिंग आपको एडमिशन होगा। तो रैंक कार्ड आएगा, एक रिजल्ट करके आएगा, उसमें आपका सब डिटेल्स रहेगा, रैंक रहेगा, नाम रहेगा, है ना, कितना रैंक लाए हैं कैटेगरी वाइज, यूआर रैंक, यूआर जनरल में एंड कैटेगरी में, वो लिखा रहेगा। तो मेरिट लिस्ट इस दिन आएगा। उसके बाद आपका काउंसलिंग डेट नहीं दिया है, टू बी नोटिफाइड लेटर ऑन, है ना, काउंसलिंग डेट। उसके बाद क्या करेंगे, मेरिट लिस्ट आ जाएगा, मेरिट लिस्ट आने के बाद 2 से 3 दिन बाद, है ना, काउंसलिंग लिस्ट दे देता है लेकिन वो बाद में देगा आपको, जब रजिस्ट्रेशन ख़त्म हो जाएगा उसके 2-3 दिन पहले आपको निकाल देगा काउंसलिंग का। उसके बाद फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड एंड लास्ट मॉपअप राउंड, 3 राउंड में। तो पहले हम बात करेंगे कि पहले आप रजिस्ट्रेशन बहुत अच्छा से कीजिए, बाद की बात है काउंसलिंग कब स्टार्ट होगा, चॉइस फिलिंग, कॉलेजेस कैसे डालेंगे, उसके बाद फर्स्ट राउंड में नहीं मिला, सेकेंड राउंड में नहीं मिला, मॉपअप राउंड में मिलेगा कि नहीं मिलेगा, डिटेल्स में सारा का सारा चीज़ हम जानेंगे 30 के बाद। पहले हमको अच्छा से करना क्या है, रजिस्ट्रेशन करना है, है ना, रजिस्ट्रेशन 30 तक है, उसके बाद के बाद 2-1 टाइम दिया, 4 को रिजल्ट चेक करना है, आपका रैंक कितना है, उन्हीं रैंक के अकॉर्डिंग आपका एडमिशन होगा, कुछ ना कुछ परसेंटाइल आया होगा, उस परसेंटाइल को कन्वर्ट करके अपना, और जो पूरे ऑल ओवर इंडिया में रैंक आया होगा उसे कन्वर्ट करके अपना बिहार में कितना रैंक आया होगा, वो एक मेरिट लिस्ट निकाल के उस पर रैंक लिखा रहेगा, और उन्हीं रैंक के अकॉर्डिंग आपको एडमिशन होगा। ठीक है, तो पहले हम क्या, मेरा काम करना क्या है, आपको करना क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल 30 तक रजिस्ट्रेशन अच्छा से कीजिए। भाई मेरे, बहुत गलती होता है ना, इसीलिए ये कॉमन सेंस जिसके पास है थोड़ा लगा सकते हैं, एडिटिंग टाइम क्यों देता है, बहुत सारा बच्चा गलती करता है, और एडिटिंग तो एकदम कर क्या बोलते हैं, गलती तो कर लेते हैं और एडिटिंग करने के बाद भी गलती करते हैं। एक तो मौका दिया उसका तो गलती नहीं है, यूजीएससी का, बीसीसीबी, यूजीएससी का गलती तो नहीं है, तो फिर भी आप गलती करते हैं तो आप क्या ही कहें, है ना, तो अच्छा से कीजिए रजिस्ट्रेशन, अच्छा से कीजिए रजिस्ट्रेशन में। आप जेई मेंस का एप्लीकेशन थोड़ा शॉर्ट में जान लेते हैं, रजिस्ट्रेशन यदि आप करते हैं तो जेई मेंस का एप्लीकेशन नंबर डालना पड़ेगा, उसके बाद आपका डीओ भी डालना पड़ेगा, सारा एक्सेस आप ऑनलाइन जो जेई मेंस का फिल किए होंगे, जेई मेंस का एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप किए होंगे, तो सारा एक्सेस कर लेता है, पूरा डाटा आपको आ जाएगा, है ना, तो वो आपका एक ईमेल आईडी डालना पड़ेगा, मोबाइल नंबर, उस पर पर्सनल है ना ओटीपी आएगा वेरीफाई के लिए, वेरीफाई करिए, देन नेक्स्ट आप बढ़िए, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट बढ़ने के बाद आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा, उसके बाद आपका फोटो एंड सिग्नेचर अच्छा से अपलोड कीजिए, एजुकेशन क्वालिफिकेशन दीजिए, 10th 12th में आपका मार्क्स कितना कितना है, कौन कौन सा सब्जेक्ट में, वो 12th का भरिए, उसके बाद प्रीव्यू कीजिए, प्रीव्यू बोले तो चेक कीजिए कि कहाँ कहाँ गलती है नहीं, उसके बाद कन्फर्म एंड सबमिट कीजिए, उसके बाद पेमेंट कीजिए। पेमेंट पर जान लेते हैं, पेमेंट आपका 1200 रुपया लगा, है ना, जैसा कि पीडीएफ में देखेंगे, एंड 600
600 किसका लगेगा तो मालूम ही होगा, 1200 किसका आरक्षण वाला का, एससी एसटी हो गया, उसके बाद सबका बीसी और जनरल वगैरह सबका 1200, और ये एससी एसटी और मेल क्या बोलते हैं एससी एसटी का ही 600, उसके बाद जनरल का 1200, इस तरीका का पेमेंट कीजिए, उसके बाद कन्फर्म सबमिट कर दीजिए। ये हो गया आपका रजिस्ट्रेशन, उसके बाद आपका मेरिट लिस्ट आएगा, मेरिट लिस्ट आने के बाद काउंसलिंग चॉइस फिल करना है। तो भाई मेरे रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग, पहले आप गलती कर बैठेंगे रजिस्ट्रेशन में ही है, तो कहीं ना कहीं आपका एडमिशन लेने वक्त बहुत समस्या आएगी और एडमिशन नहीं भी हो सकता है। तो ध्यान रहे, बहुत अच्छा से आप रजिस्ट्रेशन कीजिए, है ना। तो मान लीजिए बहुत सारे बच्चा को परेशानियां होती है, अपने से नहीं करेंगे, किसी और से करवाएंगे, या उसको समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या करें, है ना, हम क्या करें या किसी और से करवाना चाहते हैं। तो भाई मेरे इन्हीं सभी को हम देखते हुए इस चैनल पर मेरे यहाँ हम, है ना, ये सर्विस दे रहे हैं, ये फैसिलिटी है कि आप यहाँ से भी करवा सकते हैं, है ना, आप यहाँ से भी करवा सकते हैं, मेरे से भी आप काउंसलिंग हो गया, रजिस्ट्रेशन हो गया, आप करवा सकते हैं। तो आप इसको पहले अच्छा से देख लीजिए, बहुत सारे बच्चा इसको देखे होंगे, इसको अच्छा से रीड कर लीजिए, डिटेल्स में आपको लिखा होगा, डिटेल्स में रीड करके अच्छा से पढ़ लीजिए। यदि है ना बहुत ना के पेमेंट है, बहुत ना के पेमेंट बोले तो 199, कितना 199 है, तो पहले रीड करके और थोड़ा विचार कीजिएगा अच्छा से, और डिटेल्स में जानते हैं कि 199 भाई मेरे, है ना, हम आपसे फ्री का पेमेंट नहीं लेंगे, ये हम अपना काम का पेमेंट लेंगे, हम जो वर्क करेंगे, जो हम आपका काम करेंगे उसका ही चार्ज है, है ना। यदि बस आप थोड़ा दिमाग लगाएंगे, इससे ज़्यादा यदि आप कहीं और करवाते हैं, कहीं ना कहीं से तो करवाएंगे ही, लाइक साइबर हो गया या ऑनलाइन जो करता है उनसे या खुद से करेंगे तो कोई बात नहीं, यदि आप दूसरे से करवाते हैं तो कहीं ना कहीं इनसे ज़्यादा पेमेंट लगेगा। एक टाइम आप रजिस्ट्रेशन जाएगा कराने, 100 रुपया चार्ज लगेगा, उसके बाद चॉइस फिलिंग जाएगा करवाने, मेरिट लिस्ट डाउनलोड करवाइएगा, उसके बाद अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करवाना है, उसके साथ साथ डॉक्यूमेंट्स वगैरह सारा का सारा, और सारा प्रोसेस करते करते कहीं ना कहीं इनसे इंक्रीज हो सकता है और उसके बदले में आपको काम करके देगा, है ना। तो इसी इन्हीं सभी को देखते हुए हम ये मतलब ये सर्विस दे रहे हैं, क्योंकि हम मेरा तो एक काम ही है ना, तो आराम से कर सकते हैं। तो इतना कम पेमेंट हम अपना क्या बोलते हैं वर्क का लेंगे चार, ये हम आप सभी को क्या बोलते हैं फ्री में आप हमको नहीं देंगे, उसके बदले में आपको हम काम करके देंगे। और जो स्टूडेंट हमसे जुड़ेंगे, है ना, जो स्टूडेंट हमसे काउंसलिंग या हमसे जुड़ेंगे या पेड काउंसलिंग हो गया, मेरा मेंबर बनेंगे, मेरा पर्सनल स्टूडेंट बोलिए बनेंगे, तो आप हमसे करवाते हैं तो भाई मेरे, है ना, उसके साथ साथ अनलिमिटेड आपको एक्सेस दिया जाएगा। अनलिमिटेड एक्सेस ये बोले कि इतना हेल्प दिया जाएगा कि आप सोच भी नहीं सकते, इमेजिनेशन भी नहीं कर सकते, बहुत सारा फैसिलिटी दिया जाएगा उसके साथ साथ। लाइक आप हमसे करवाएं, ओके, आप हमसे करवाएं तो आपको एकदम कॉल वगैरह मैसेज जैसे हो आपको सारा प्रोसेस करके दिया जाएगा, आपसे मंगवा लिया जाएगा, उसके साथ साथ सब कुछ हो जाने के बाद एडमिशन तक आपको गाइड किया जाएगा, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है, एडमिशन कैसे होगा, सारा का सारा प्रोसेस बताया जाएगा। उसके बाद एडमिशन हो जाने के बाद भी आपको सर्विस दिया जाएगा, एडमिशन हो जाने मेन प्रॉब्लम तो एडमिशन हो जाने के बाद आता है, लाइक एडमिशन तो ले लिए, उसके बाद पढ़ना कैसे है, कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़े, और एग्ज़ाम टाइम है ना, एग्ज़ाम के लिए बहुत कम टाइम मिलेगा, उस कम टाइम में किस तरीका से पढ़ना है वगैरह, वो एक एडमिशन के बाद आपको पता चलेगा। तो एडमिशन के बाद भी हेल्प ले सकते हैं हमसे, यदि हमसे जुड़ेंगे तो परमानेंट एक तरह से आप क्या बोलते हैं ज्वाइंट रहेंगे हमसे। बहुत सारे बच्चा ओवर थिंकिंग करते हैं, बहुत तरह के सोचते हैं कि यार, और बहुत सारे बच्चा तो बोले भी है कि आप बहुत सारा पेमेंट ले रहे हैं, यार ये बहुत सारा पेमेंट कहाँ से हुआ, ये अपना काम की पैसा पेमेंट ले रहे हैं ना, आप ही सोचिए ना, 150-200 रुपया कोई बात है, ज़्यादा पेमेंट क्या हुआ, 10,000 मांगते आपसे, 5,000 मांगते हैं, 5,000 मांगते, 10,000, 15,000, है ना, इस तरीका से हम बच्चा को गुमराह नहीं करते हैं। देखिए आप हमसे जुड़ेंगे, आपके ही तरह हम भी स्टूडेंट हैं,
आप हमसे कराएंगे तो बहुत तरह की हमको हेल्प मिल सकता है। ओके, बहुत सारे बच्चा घूम इसीलिए गलत कमेंट करते हैं या डाउट में रहते हैं, क्लियर करके बता दे रहे हैं कि भाई यार ऑनलाइन कैसे करवाएंगे यार, कैसे करेगा, वो पेमेंट दे देंगे, होगा कि नहीं होगा, करेगा कि नहीं करेगा यार, क्या होगा नहीं होगा, इन कन्फ्यूजन में जी रहे हैं, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, है ना। और ये रियली में ये आप जो सोच रहे हैं गलत नहीं सोच रहे हैं, ये सोचना आपका है ना सही है, उचित है, सोचना भी चाहिए, लेकिन क्लियर करके बता दे रहे हैं एज जो माने आप, बड़े भाई माने, सीनियर माने, ऑलरेडी सीनियर है, आप लोग एडमिशन लेंगे तो जूनियर रहेंगे, सीनियर है। और एक बात बता रहे, ऑलरेडी हम इस फील्ड में है, जहाँ तक आप आना चाहते हैं है ना, वहाँ तक हम पहुँचे हुए हैं, जो कोर्स करने के लिए आ रहे हैं, जिस कॉलेज में आप पढ़ने के लिए आ रहे हैं, ऑलरेडी हम है, तो आपके साथ कैसे हम गलत कर सकते हैं, है ना, क्यों करेंगे भाई मेरे, है ना, कोई शौक थोड़ी ना, आपसे कोई दुश्मनी थोड़ी ना, हम अपना काम, अगर हर चीज़ डिजिटल एक होता है ना, डिजिटल उसका फ़ायदा उठाइए भाई, घर बैठे बैठे हर चीज़ हो रहा है, फिर भी आपको बिलीव नहीं हो रहा, विश्वास नहीं हो रहा है, तो आप मेरे ऑफलाइन आइए ना यार, ये भी सर्विस दे रहे हैं, आप यहाँ से आके करवा के जाइए, ज़्यादा जो मेरे नज़दीक रहते हैं, आप BKP है ना, बख्तियारपुर में रहते हैं, है ना, बख्तियारपुर स्टेशन आइए, स्टेशन के बाद आप बख्तियारपुर थाना वहीं पर हम रहते हैं, आप रिसीव कर लेंगे, रूम पर बुला लेंगे, खिलाएंगे पिलाएंगे, आपसे अच्छा से काम करके देंगे, है ना। और बख्तियारपुर इसीलिए कि मेरा कॉलेज हो गया भोजपुर, है ना, भोजपुर, और इसका भोजपुर एंड बक्सर का कैंपस आपका BKP में, बख्तियारपुर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में चलता है, ऐसा तो मालूम ही होगा, नहीं मालूम है तो समझ लीजिए कैंपस चलता है, इसीलिए हम यहीं पर रह रहे हैं। किसी भी प्रकार कोई दिक्कत है तो आप ऑफलाइन आके विजिट कर सकते हैं, बहुत सारे यूट्यूबर ऑफलाइन भी काउंसलिंग वगैरह करवाते हैं, आप हमको भी सेवा पानी दीजिए, है ना, हर काम आप अपने से खुद मत कीजिए, है ना, कोई के काम हम लोगों को भी दीजिए, है ना, मौका, सेवा का मौका दीजिए, और क्या यही कहेंगे। तो आप ही सोचिए, इतना पेमेंट तो हम मांग नहीं रहे हैं, तो ज़्यादा पेमेंट किसको कहेंगे, जो आपको लाइक इस तरीका से डिमांड करता है तो उसको बोल सकते हैं, यार 100-200 पेमेंट हुआ, आप 2-3 दिन में उड़ा देते होंगे, खा पी जाते होंगे, है ना, उसके बदले में इतना सारा काम दिया जाएगा, तो आप समझ ही सकते हैं। और रही बात, यहाँ फोर्स नहीं किया जा रहा है, आपका मन है ना, आप परचेज करना चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए, कोई फोर्स की ज़रूरत नहीं है, कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं किया जा रहा है, आपका मन कर रहा है तो ऐड होइए। देखिए, आप हमसे ऐड होंगे ना कहीं हमको भी बहुत सारा हेल्प मिलेगा, कहीं और से करवाने से बेटर है आप हमसे करवाएंगे तो समझ सकते हैं, उसके साथ साथ हमको भी कुछ ना कुछ हेल्प मिलेगा, आपको काम करके दिया जाएगा तो आपका काम हो जाएगा, उसके साथ साथ आप हम मेरे साथ लॉन्ग टाइम तक ऐड हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, मेरे कॉन्टैक्ट में रहेंगे, बहुत सारे जो भी प्रॉब्लम आती है, समस्या, आप हमसे पूछ वगैरह सकते हैं, ये सभी फैसिलिटी है। तो बात की बात है, जहाँ मन, देखिए ऐसा बिल्कुल नहीं, जहाँ पेमेंट वगैरह जहाँ डिमांड कर रहा है, लेकिन जो काम की पेमेंट ले रहा है वो बेशक आप कहीं से भी करवा सकते हैं, तो आप पर डिपेंड करता है कि आप कहाँ से कैसे करवाते हैं। और ध्यान रहे, खुद से करेंगे तो थोड़ा बहुत सब कुछ को देखते हुए कीजिएगा, किसी पर कोई गलती नहीं कीजिएगा। ओके, तो बस इतना ही आज के इस वीडियो में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, थैंक यू।